बात करने वाले लेजी पे, जो लेजी पे में न्यू अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब आप लेजी पे की लिमिट को बैंक अकाउंट में आसानी से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे किसी भी मेथड से वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आप लेजी पे की लिमिट को यहाँ से तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेजी पे की तरफ से जो न्यू अपडेट यहाँ पे निकल के आया, काफी सारे इसके यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। अगर आपको यहाँ से मोबाइल का रिचार्ज करना है तो आप यहाँ से मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हैं, साथ में मोबाइल पोस्टपेड का भी आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल भी आप यहाँ से भर सकते हैं, साथ में यहाँ पे फास्टैग को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके बाद गैस सिलेंडर को भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, उसके बाद डीटीएच लैंडलाइन पाइप, मतलब काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। अब आप इसके लिमिट को यहाँ पे काफी ऑप्शन पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम लेजी पे की लिमिट से मतलब कि रिचार्ज कर सके, क्योंकि काफी टाइम से पहले से ये लिमिट यहाँ पे ब्लॉक पड़ी थी। तो पर अब ये जो लिमिट थी, जो ओल्ड लिमिट थी, वो यहाँ पे यूज होनी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने भी लेजी पे को काफी टाइम पहले यूज कर रखा है तो आपको भी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका होगा। जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, जो ये न्यू अपडेट यहाँ पे निकल के आया, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपने भी लेजी पे के लिमिट को यहाँ पे यूज कर लिया है तो आप उसके लिमिट को ईएमआई में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको जो ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी दिखाऊंगा, और जो ईएमआई में यहाँ पे कन्वर्ट हो रखी है वो यहाँ पे कैसे आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, लेजी पे की लिमिट को आप बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फास्टैग होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चौथे नंबर पे यहाँ पे फास्टैग का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास भी फास्टैग है तो फास्टैग के जरिए लेजी पे की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और 30 दिन के 0% इंटरेस्ट पे इसकी लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जो 3 तारीख को इसका बिल जनरेट का हमारे को यहाँ पे टाइम मिलता है, 3 दिन हमारे को यहाँ पे मिलते हैं, 33 दिन के लिए हम इसकी लिमिट को यहाँ पे 0% इंटरेस्ट पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक करता हूँ, बैक करने के बाद फिर से मैं इसको यहाँ पे बैक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1840 रुपए की मेरी यहाँ पे लिमिट दिखा रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो लिमिट यहाँ पे यूज की थी, यहाँ पे जो मेरी लिमिट थी 7694 रुपए की मेरी यहाँ पे लिमिट थी, उसके बाद मैंने इसको ईएमआई में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोन का जो अमाउंट था मेरा 7694 रुपए था, उसको मैंने ईएमआई में कन्वर्ट करके 42% का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लगा। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट मेरे को 970 रुपए लगा, वो भी 6 महीने के लिए। अगर मैं इसको 7694 रुपए पे कर देता तो मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता। उसके बाद अगर आपको भी वहाँ पे लेजी पे की लिमिट को ईएमआई में कन्वर्ट करना है तो जैसे इसका बिल बनेगा उसके बाद ईएमआई में ऑप्शन यहाँ पे कन्वर्ट करने का आ जाएगा, तो आप इसकी लिमिट को यहाँ पे ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 6 मंथ के लिए मेरी जो ईएमआई बनाई है, इसको जो ईएमआई बनाई है मंथली यहाँ पे 1444 रुपए मेरी यहाँ पे ईएमआई बनाई है। उसके ऊपर जो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 से 150 रुपए इसका यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 1600 कुछ रुपए मेरे यहाँ पे ईएमआई दिखा रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे बैक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1400 यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद मैं इसको पे करने के लिए ऑप्शन पे जाऊंगा तो जैसे मैं इसको पे करूंगा तो 1639 रुपए मुझे यहाँ पे इसको पे करने हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे लेजी पे की लिमिट का यहाँ पे ऑप्शन पे भी आप यूज कर सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, मतलब बिजली का बिल भी भर सकते हैं, काफी जगह यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिमिट को ईएमआई में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।